न्यूयॉर्क में बैठकर एक इंसान खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगा है। उसे लगता है कि दुनिया उसके हिसाब से चलती है। दुनिया को वो एक रंगमंच समझता है और किरदारों को वो अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता है। लाभ कमाने के लिए वो कई संस्थानों और देशों में वित्तीय संकट खड़ा कर चुका है। कई देशों की सरकारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और उन्हें गिराने के लिए फंडिंग करता है। सोरोस को राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यही वजह है कि उसने भारत में अपनी कुदृष्टि डाली है। एक और भारत में जहां अमृतकाल का दौर चल रहा है, तो वहीं सोरोस उसमें विष घुलने का काम कर रहा है और इस काम में उसका साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी दे रहे हैं। वे जॉर्ज सोरोस का हाथ थामे भारत की बर्बादी का जाल बुन रहे हैं। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो इसके लिए करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है। सोरोस भारत हित में लाए जाने वाले किसी भी बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध में हवा बनाने के लिए फंडिंग करता है। भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस के लोग राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाते देखे गए थे। सोनिया गांधी के करीबी रहे हर्ष मंदर भी सोरोस के पैसों से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता आया है। CAA प्रोटेस्ट में भी जॉर्ज सोरोस का नाम जुड़ा था। जॉर्ज सोरोस भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहकर अपनी नफरत का सबूत दे चुका है। राहुल गांधी आज विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। राहुल गांधी का रिमोट जॉर्ज सोरोस के हाथ में है और वो वही करते हैं जो विदेश में बैठा जॉर्ज सोरोस उन्हें आदेश देता है।